कहा कि हमने बजट की कोई कमी नहीं रखी सफाई के लिए पंचायतों में, लेकिन सरपंच तो यही कहते हैं कि हमारे पास फंड तक नहीं। एक सरपंच के लिए मेरे पास सस्पेंड कर देता हूँ। कोई सरपंच ये कहता है कि हमारे पास सफाई के लिए पैसा नहीं है, तुम आज ही निलंबित करके जाओ, नाम बताओ। सरपंच संघ कहता है पूरा ही। कौन सा संघ? संघ में कोई तो अध्यक्ष होगा, कोई महामंत्री होगा, कोई तो होगा। ज्ञापन है लिखा हुआ, मैं भेज दूंगा आपके पास। नहीं तो फिर आपके खिलाफ करेगा। हाँ बिल्कुल, पत्रकार हो तो। बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ है ज्ञापन में। हाँ वो लिखा क्या बन जाएगा, उसको सस्पेंड कर। बिल्कुल भेज देंगे सर आप। मैंने इतना पैसा दे रखा है, जितना भी फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है उसका 45% पैसा उसको सफाई पे खर्च करना होता है, और वो लाखों में होता है। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसमें साल का 12 लाख रुपए से कम हो। जैसे सर कल आपने कोटा में बताया रीट के लिए भर्ती, हाँ, परीक्षा की बिल्कुल तैयारी, जनवरी में हम दूसरे पखवाड़े में होती परीक्षा कराएंगे, सॉरी दूसरे दूसरे सप्ताह में। वैकेंसी कब स्टार्ट हो जाएगा, नामांकन भरना, भर्ती आवेदन कब शुरू? कल हमने घोषणा कर दी, 2-4 दिन हो जाएगा। आपने सुना होगा बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 4 लाख कर्मचारी हम इन 5 सालों में उनको रोजगार देंगे या नहीं लगाएंगे। मुझे अनुमान है लगभग 1.5 लाख शिक्षा विभाग को कर्मचारी अधिकारी मिलेंगे, उसके बाद में कह सकता हूँ लगभग सभी पद होंगे। एक सर यहाँ पे नासिरा स्कूल है वो झोपड़ी में चल रहा है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में हमको निर्माण करने की अनुमति फॉरेस्ट नहीं देता, इसलिए हमारे लोगों को टेम्परेरी शिक्षा की लिए कोई व्यवस्था की नहीं। लेकिन सर वहाँ पे टेम्परेरी शेड भी नहीं बनाने दे। वन विभाग के नियमों का उल्लंघन हम नहीं कर सकते सर, फिर या तो उन गाँव को विस्थापित किया जाए। ये विभाग जो भी सोच रहा हो आगे करना। इसके अलावा सर जैसे और जैसे स्कूल जर्जर है जो वन विभाग नहीं है उसका क्या? ये दुर्भाग्य हुआ कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, पेपर आउट करवाए, करोड़ रुपए खा गए, और उनका जो पाप किया उनको उनकी वजह से हमको सुनना पड़ रहा है। फिर भी हम चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों को ठीक कराएंगे, गिर को भी ठीक करेंगे, नए बनाने वो भी हम बनाएंगे। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमको निर्देश दिए थे कि सारे प्रस्ताव भेज दो जो इस प्रकार के हैं, बरसात जांच सत्ता बत्ती बरसात एकाल से और कोई परेशानी उनको ठीक कराएंगे। उसके अलावा भी समसा से हम उनको ठीक कराने की कोशिश कर रहे, उसके अतिरिक्त भी 100 करोड़ रुपये उन्होंने बजट में हमारे लोग विद्यालय की एक उदयपुर संभाग में शिक्षकों के प्रमोशन नहीं हो रहे, पूरे राजस्थान में हो गए थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड तक, सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड के राजस्थान में कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप वाला आपसे उदयपुर वालों ने कहा होगा इस उदयपुर की बात ध्यान आ रही कहीं भी नहीं हो रही। नहीं थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड मैंने कहा, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से ऊपर भी नहीं हो रहा। तो सर ये कब तक होंगे? हम तो तुरंत करना चाहते हैं, कोर्ट का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको भी हम कोर्ट में निवेदन करेंगे। शिक्षक तबादले को लेकर क्या जो ही माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश देंगे, जो ही प्रतिबंध हटाएंगे तुम करेंगे।